हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर में एक बार फिर से। तो आ गए एक नए वीडियो नए टॉपिक को लेकर आपके साथ, जो हमारी मटकियों में जैसे कि बच्चों के पैर में पोटी जम जाती है तो उसको हम कैसे आसानी से आज हम क्लीन करेंगे, वही आज आपको दिखाऊँगा मैं। तो आज हमने कॉलोनी की भी साफ़ सफाई कर ली है, देख सकते हो आज विराज भी साथ में हमारे, इसने भी पूरी साफ़ सफाई करी है। तो आज क्या करेंगे दिखाओ, बजा बच्चा दिखा जाओ उठा के ये वाला, इसके देख सकते हो पैर में पोटी लगी हुई, सही से दिखा आए वो कैमरे में को दिखा, देख सकते हो ये इसके कितनी सारी पोटी लगी हुई, क्या देख सकते हो कैमरा, इसके पोटी लगी हुई है बहुत सारी। और आज हम इसको क्लीन करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे वो भी दिखाते हैं आज आपको, देखते हैं इस वीडियो में बने रहे लगातार, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ये देख सकते हो हमने प्लास ले लिया है, और प्लास से हमें ज़्यादा तेज़ से नहीं दबाना है ताकि उसके चोट वोट ना लगे, आराम से प्रेस करोगे तो पूरा छूट जाता है, देख सकते हो कितने आराम से छूट गया है, ज़्यादा तेज़ से नहीं दबाना है, ज़्यादा तेज़ से दबाओगे तो उसको चोट भी लग सकती है, देख सकते हो पूरा क्लीन हो गया अच्छे से। और पैर में भी इसके गड़ गया था ये पोटी, जो बहुत गड़ गई थी पेट में पैर में इसके, बड़े आराम से निकल जाती है बेटी, देख सकते हो ज़्यादा हमें ताकत नहीं लगानी है, ज़्यादा ताकत लगाओगे तो उसको चोट भी लग सकती है, देख सकते हो बड़े प्यार से क्लीन हो गया है पैर। अब दूसरे पैर को क्लीन कर देते हैं इसी तरह से, देख सकते हो ऐसे हल्का सा प्रेस करना है बस, तो अपने आप छूट जाती है, ज़्यादा तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देख सकते हो आराम से छूट गई। और इसके बीच में देखो जगह बना ली थी इसने अपनी, पैर भी इसका कमज़ोर हो गया इस वजह से। तो ये सब देखना पड़ती है कॉलोनी में चीज़ें, तो आप लोगों को इन चीज़ों का सबका ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों को कॉलोनी में कैसी ब्रीड चल रही है, ब्रीड से हमें मतलब नहीं है, उनकी हेल्थ के बारे में भी देखना है, उनकी ग्रोथ के बारे में भी देखना है। तो देख सकते हो आप कितना प्यारा हो गया बच्चा, ये देख सकते हो अब आराम से पैर भी रख पा रहा है, उस समय पैर नहीं रख पा रहा था, तो पैरों में भी इसकी कमी हो रही थी। और इसी तरह से हम दूसरे बच्चों को भी निकाल लेते हैं, ये देख सकते हो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं मटकी में, देख सकते हो मटकी में ये बहुत सारे बच्चे थे इसमें, एक ये है इसके भी पैर में निकल रही लगी हुई है, देख सकते हो इसके पैरों में भी लगी हुई है। तो इसको भी अभी मैं क्लीन कर देता हूँ फटाफट से, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा छोटी सी बनाएंगे वीडियो। अभी कॉलोनी की भी हमने साफ़ सफाई कर दी है, कॉलोनी देख सकते हो क्लीन लग रही होगी आप लोगों को, अभी कॉलोनी की हम साफ़ सफाई कर चुके हैं, अब ये मटकी क्लीन रह गई, जो मटकियाँ गंदगी हो रही हैं मटकियों में, वो मटकी भी गंदगी की हम सब साफ़ करेंगे। बच्चे सब बड़े ही हो गए हैं, निकलने वाले हैं मटकियों में से बाहर कुछ दिन बाद ही, अभी खुद नहीं निकलना है जानबूझ के, देख सकते हो कितनी तेज काट रहा है, पकड़ भी गया है। तो दोनों पंजे क्लीन हो गए हैं इसके, और ये अच्छा खासा बड़ा हो गया, तो मैं इसको बाहर ही छोड़ देता हूँ कॉलोनी में, अंदर नहीं रखूँगा मटकी में, ऐसे में चल जा बाहर जा। और बाकी इसके साथ वाले एक और देखते हैं इसके, और भी इसके साथ के बड़े हो गए हैं बच्चे, निकलना नहीं चाह रहे हैं मटकी में से, ये साफ है चलो बच्चा, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है, देखो कितना छोटा सा बच्चा है और कितने बड़े बड़े पैरों पर इसके बीट जम गई है, देख सकते हो मटकी गीली होने के कारण में होता है, बहुत ही बुरा हाल है इसका। तो और भी दो बच्चे हैं इसके अंदर, इनके भी देख सकते हो कितना बुरा हाल हो रहा है। तो अभी मैं सबको क्लीन कर देता हूँ, बहुत सही से अच्छे हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ भी फिर थोड़ी बढ़िया होगी, ग्रोथ तो वैसे सही है और फिर भी चल फिर नहीं पा रहे होंगे मटकी के अंदर ही, मटकी के अंदर तो वैसे गंदगी नहीं है, वो सूखी हुई भी मटकी देख सकते हो, गीली वीली नहीं है मटकी, एक गीली होती है मटकी, उस गीला होगी उस समय, तो इस समय चिपक गई होगी इसके बीट ही, तो इसको ही मैं क्लीन कर देता हूँ फटाफट। और फाइनली सारी मटकियाँ और हमने कॉलोनी क्लीन कर दी देख सकते हो आप। तो अब हम चलते हैं बाहर, तो बाहर जो थोड़ा कूड़ा कबाड़ा पड़ा वो भी इसमें कट्टे में भर देंगे, ये कट्टा पड़ा बाहर इसमें भर देंगे, और फिर बाहर जाके डाले आएंगे हम कहीं, इसको दबा देंगे कहीं पर गड्ढा खोद के, देख सकते हो बाहर भी हैं अपने पैरेट और अंदर भी हैं, बाहर के दिखाते हैं आपको, चार ही पीस रह गए हैं सेल के लिए जो थे वो, दो जोड़े रह गए हैं खाली जो सेल के लिए हैं, बाकी इसमें भी हैं पट्ठे अभी, वो भी सब सेल के लिए हैं जो पट्ठे हैं अभी इसमें, बाकी एक पेयर मेरे पास ये ब्रीडिंग पेयर है लबर्ट का, अगर ये किसी को ख़रीदना हो तो ये भी ख़रीद सकते हो आप, बहुत ही ज़बरदस्त पेयर है ये, इसका डीएनए वगैरह सब हुआ हुआ है, मेल फीमेल कन्फर्म है, देख सकते हो ये इतना खूबसूरत पेयर है ये। और किसी भाई को अगर परचेस करना हो तो आप मुझे नंबर
ले सकते हैं। मेरा थंबनेल पर नंबर दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नंबर। और थोड़ी ये गंदगी पड़ी है इधर, साफ सफाई करनी है ये। बाकी दाने के बर्तन वर्तन बाहर निकाल दिए थे, इस कट्टे में हमने सारा भर लिया है मटेरियल जो भी कॉलोनी में गंदगी थी। तो देख सकते हो सारे परिंदे ऊपर बैठ गए हैं। तो चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर। बने रहें हमारे चैनल के साथ, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।